आज सब इतने शांत क्यों हैं? वो बात ये है ना कि बताओ ना अकरम, तुम तो बता। अरे दिनू भैया आप बताइए ना। हाँ अकरम तू बता देना। अरे बताइए ना दिनू भाई, क्या हुआ? भावना बात कुछ ऐसी है कि तुमने इन महिलाओं को सही रास्ता दिखाया है और मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा था, पर जब मैं इन महिलाओं को आगे बढ़ता देखता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? क्या मैं इस ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? नहीं, DNULM के अंतर्गत केवल महिलाएं ही इस ग्रुप में शामिल हो सकती है। पर निराश मत होइए, DNULM के अंतर्गत पुरुषों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकता है और इसी के लिए मैंने आपके मिश्री भैया को बुलाया। मिश्री भैया बहुत ज्यादा गए साथ में, बहुत पुराना दोस्त है। अरे मैंने और मिश्री भैया ने तो एक साथ पब्लिक टॉयलेट साफ करे हैं। हाँ आपके जैसे लोग जो ऐसे जोख में काम करते हैं, जैसे रिक्शा ढोने का काम, सैनिटेशन का काम, उन सबको व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है। बढ़िया, ये लो मिश्री भैया आ गए। अरे मिश्री भैया पैसे तो कमा लिए ठीक है, पर गाना बजाना चल रहा है कि नहीं? कैसन कैसन दिनू चल रहा है ना, अपने पुराना गाना याद है ना? याद ही है ना, गाते हैं फिर। चलो 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 मिश्री का झाड़ू अकरम की साई करो, मिश्री का झाड़ू अकरम की साई करो। अरे मिश्री भैया, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना अच्छा गाना गाते हो। गा लेता हूँ, गा लेता हूँ। अब आप कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट के रखरखाव के बारे में सबको समझाइए। हाँ तो देखो, आप सब भी बैंक में खाता खोलकर अपना बचत शुरू कर सकते हो। अरे मिश्री तुझे तो सब पता है, ज्ञानी हो गया है। अरे ज्ञानी कहाँ। मिश्री भैया ने अपनी बस्ती में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है पुरुषों का और पंच सूत्र का पालन भी करते हैं अच्छे से। अभी तो वो इतना जानता है। तो क्या इनको भी हमारी तरह रिवॉल्विंग फंड मिलेगा और बैंक में लोन भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप ही की तरह पंच सूत्रों का पालन करने पर ब्याज की दरों में सब्सिडी भी मिलेगी। अरे क्या बात, क्या बात। देखो मैं भी आप सब की तरह सैनिटेशन का ही तो काम करता था। पर अब DNULM में मुझे बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। तो क्या हम भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं? नहीं और हम तो, हम क्या, तुम्हारी सैनिटेशन की दुकान तो चल पड़ी है ना फिर? हाँ तो वो दुकान तो सेट हो गई, अब हमें नया बिजनेस शुरू करना है। अरे पुरुष हो या महिला, दोनों ही अपनी पसंद का बिजनेस कर सकते हैं। ये अच्छा। अब आप सैनिटेशन का काम करते हो तो आप इसी को अपना व्यवसाय बना सकते हो। हाँ कुछ समझ में इस तरह बताओ ना। दिनू तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, भावना बता। आप अपना अलग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर सैनिटेशन का व्यवसाय कर सकते हो। हम रोज काम ढूंढने जाते हैं, कभी दिहाड़ी पे काम मिलता है और कभी काम नहीं भी मिलता है, और कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना काम हमें दे देता है। आप सैनिटेशन में ही अलग अलग काम कर सकते हो। जैसे? जैसे कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट को चलाना और उसका रखरखाव करना, फिकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट चलाना, सेप्टिक टैंक को ट्रक से खाली करना, सूखे कचरे का रिकवरी सेंटर चलाना, फैसिलिटी मैनेजमेंट करना या सैनिटरी मार्ट चलाना, ऐसे सब। पहले आपको अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना होगा, फिर आप सबका और आपके ग्रुप का बैंक में खाता खुलेगा। बैंक लिंकेज होने के 3 महीने बाद आपको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा और बैंक से व्यवसाय के लिए लोन भी मिलेगा। DNULM में इस लोन पर आपको 7% के ऊपर के सूद की सब्सिडी भी मिलेगी।
आप कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट को चलाने का और उसके रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट सीधे नगर निगम से ले सकते हो। अरे वाह। और आप एक से ज्यादा टॉयलेट चलाने का काम भी कर सकते हो। पर इसके लिए तो नगर निगम का टेंडर भरना होगा। इसके कई अलग अलग मॉडल है। पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट के रख रखाव के लिए कुछ नगर निगम टेंडर निकालती है और कुछ आप जैसे सामुदायिक ग्रुप्स को सीधा कॉन्ट्रैक्ट देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम टेंडर भरेंगे बिना किसी बिचौलिया या दलाल के, सीधा नगर निगम से कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं, जिससे मुनाफा भी ज्यादा होगा और हमें रोज बरोज का काम मिलता है कि नहीं उसकी चिंता भी नहीं रहती। हम कमाई कैसे करेंगे और खर्चा कैसे होगा? इसके भी अलग अलग मॉडल है। कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट का उपयोग कुछ लोग नहाने, कपड़े धोने या टॉयलेट के लिए भी करते हैं। कुछ शहर उपयोग के लिए व्यक्तिगत फीस, मासिक फीस और फैमिली फीस वसूलते हैं, जिसका एक हिस्सा टॉयलेट के रखरखाव के ऑपरेटर को जाता है। या तो जैसे कि मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को नगर निगम सीधे हर महीने फीस देती है। हाँ, पर निगम की काफी कड़ी निगरानी होती है और अगर टॉयलेट्स का रखरखाव ठीक नहीं है तो हमारे पैसे भी कटते हैं। हमें हमारे टॉयलेट के बिल्डिंग पर एडवर्टाइज का बोर्ड लगाने की भी अनुमति है, जिससे हमारी कमाई बढ़ती है। मैं जिस कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ उसे कॉरपोरेशन से हर महीने 25,000 रुपए मिलते हैं और उससे मैंने सुना है कि नगर निगम ने टॉयलेट के साथ एक छोटी सी दुकान खोलने की भी अनुमति दी है, जिससे आमदनी अच्छी होती है। हाँ, पर इस काम में खर्चा भी उठाना पड़ता है। जैसे? जैसे कि दिन भर के लिए केयर टेकर बिठाना, सफाई की सामग्री खरीदना, कुछ छोटी रिपेयरिंग का काम जैसे कि बल्ब या ट्यूबलाइट बदलना, कोई पाइप ठीक करना इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम के साथ जो समझौता होगा उसके अनुसार भी खर्च तय होंगे। पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब बातें उस समझौते में लिखी होती है। म्युनिसिपैलिटी से आप बिजली और पानी के फ्री सप्लाई के लिए विनती भी कर सकते हो। सफाई की सामग्री तुम हमारी दुकान से खरीद सकते हो ना। और टॉयलेट में ज्यादा लोग आएंगे तो कमाई भी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आपका टॉयलेट साफ सुथरा हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स की देखरेख पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। अरे सुनो सुनो, आज मेरे एक टॉयलेट का बिल्डिंग का पेंटिंग का काम चल रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पर आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत हो तो बुला लेना, ठीक है? चलो ध्यान रखना अपना। चलो चलो चलो। अरे अरे।